और ये इनकी पसंदीदा डिश है जिसका नाम है हमोन सुअर। ये सुअर के जैसे लेग पीस इन्होंने टांग रखे हैं, ये आपने देखे होंगे इंडिया में जैसे मुर्गे टांग के रखते हैं शॉप पे। इनकी एक और ख़ासियत है कि अगर ये जितने पुराने होते हैं उतने ही अच्छे होते हैं और उतने ही लजीज होते हैं खाने में, और इनकी बोली भी लगती है टू बी ऑनेस्ट। कौन से इनके वेट हैं 7 किलो और इसमें से स्मेल नहीं आती है। इनके ऊपर एक अजीब तरह का ये पेस्ट लगाते हैं जिससे काफ़ी महीनों तक पड़े रहते हैं यहाँ पे, और इसमें से कोई किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है। और देख सकते हैं आप ये सब मांस है, सुअर का मांस। हाँ, उस एक एक लेग पीस की कीमत मैं समझता हूँ होगी 62 यूरो यानी 50 यूरो का ये एक लेग पीस है। इसमें महंगे भी हैं, जितने पुराने उतने महंगे, 89 देख सकते हैं। 90 यूरो का एक लेग पीस जिसकी साइज़ है 7 किलो, और 90 यूरो इंडिया के हिसाब से आपके बनते हैं 8,000 रुपये। 8,000 रुपये का एक सुअर का लेग पीस जो लोग ये यहाँ से लेके जाते हैं और अपने घरों में बड़े शौक से एक उनका स्टैंड आता है उस पर लगाते हैं, और फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है या कुछ भी न्यू चीज़ होती है उसमें अपने फैमिली वालों को और आपस में बांट के खाते हैं। और अच्छी बात है इन्होंने यहाँ पे एक सेक्शन बना रखा है इन चीज़ों का। देखो ये सब सुअर के लेग पीस हैं, और ये उसके खुर भी दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको लगे कि मैं नहीं आपसे मजाक कर रहा हूँ, ये लिटरली सुअर के लेग पीस है। और देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम मैं समझता हूँ 300 से ज़्यादा उन्होंने लेग पीस टांग रखे हैं जो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, और इस तरह से कुछ चॉप करके उसको खाते हैं जिसकी पैकिंग भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। इस तरह से खुला पैकिंग करके भी ये बेचते हैं, और ये देख रहे हैं ये चॉप किया हुआ है। एक इस तरह का स्टैंड आता है इनका, आप देख सकते हैं इस स्टैंड पे आराम से इजीली ये उसको लगाते हैं ऐसे करके, और अपने घर में बड़ी शान से लगा के रखते हैं। और जो भी मेहमान नवाजी के लिए इनको आता है या मेहमान आता है या फैमिली वाला कोई आता है तो उसमें से कुछ पीस काट के उसको शेयर किए जाते हैं, और यहाँ का ट्रेडिशन है। बुल फाइटिंग वगैरह तो आपने देखी होगी कई बार टीवी पे स्पेन की, तो बने रहिए आगे और कुछ भी है। ये अपना पसंदीदा सेक्शन है विस्की लिकर। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। थोड़ा मौसम में आया हूँ आज, क्योंकि इंडिया जाने की खुशी है, तो आप देख सकते हैं ये है अपना सेक्शन जिसमें आपको हर तरह की लिकर मिल जाएगी, सस्ती महंगी गिफ्ट देने के लिए सारी बोतलें पड़ी हुई है। और इसमें से आपको सेलेक्ट करनी है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, आपकी जेब किस चीज़ को अलाउ करती है, और वो लो और पियो और ऐश करो। वैलेंटाइन ये देख लो 15 यूरो 28 सेंट 16 यूरो 1200 रुपये एक बोतल। हर तरह की ड्रिंक मिल जाएगी आपको यहाँ पे, मेरी पसंदीदा कौन सी आपको आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। 1 सेकंड होल्ड करिए। वोडका €15 एक बोतल मैं लेता हूँ। एक्चुअली मैं जब इंडिया आता हूँ तो हमारे जयपुर में माता का मंदिर है एक आमेर माता, जिस पे मैं एक अच्छी सी बोतल लेके चढ़ाता हूँ, तो मैं इस बार ये लेने वाला हूँ। उसका नाम है शिवा सरीगल। कीमत देख ही ली होगी आपने, यार अब भगवान की दर जा रही है तो कीमत को क्या देखना है। ये मैंने ले ली है, और ये ब्लैक लेबल, ये हमारे ससुर साहब एकलौते उनको पसंद आती है,
तो ये उनके लिए, मैंने अपने लिए अभी तक कुछ नहीं लिया है, नो वरी, अपने लिए देखूंगा एक सस्ती सुंदर टिकाऊ। अरे यार ये क्या है, उफ, ये जंबो जेट बोतल है, देख सकते हैं इसको, ओह माय गॉड, 1.75 लीटर, 1.5 लीटर की बोतल है, वैसे तो उठ भी नहीं रही है, 28 जीरो की बोतल है। जैक डैनियल, ये ठीक है मेरे लिए, ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ, जैक डैनियल 27, 24, 28 यूरो की बोतल है, इंडिया के हिसाब से हिसाब आप करते रहना यार, एक बहुत है और बाकी कुछ गिफ्ट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए सस्ती सी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। और ये है कावा, इसको बोलते हैं कावा, जो खाना खाने के बाद लोग पीते हैं, इसकी कीमत सस्ती है 3.60। एक ये ले ली, ये बने रही है यार, इंडिया जाने की खुशी भी है मगर क्या है, खर्चा काफ़ी हो जाता है, तो अभी तो ये जस्ट एक शॉपिंग है, मगर हमारी फैमिली तो पिछले 4 वीक से शॉपिंग में लगी हुई है, और पता नहीं कितने पैसे उन्होंने ख़राब किए होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो ब्लॉग बन रहा है ये पैसे की बर्बादी है। ये भी ठीक है, वीना मायोर, ये वीनो है जो अंगूरों से बनती है और इनका लोकल प्रोडक्शन है यहाँ का, जो कि सस्ती है 3.7 यूरो। और उसके बाद यहाँ है कलेक्शन इनका पुराना, देख सकते हैं ये काफ़ी महंगी महंगी बोतलें हैं, 39, 49, 59, अपने को नहीं लेनी है। एक शैम्पियन है क्योंकि इंडिया में अभी जाने के बाद वहाँ 2 शादियाँ अटेंड करनी है, उसके लिए शैम्पियन खोलनी है, एक ये ले ली, 2 ही ले लेते हैं वन टाइम क्योंकि सस्ती है, 12 यूरो की है ये शैम्पियन, वही है इसको खोलने के बाद बुच से झाग सी निकलती है। ओके, तो लिकर का काम हो गया, चलो आगे देखते हैं और क्या है, ऊपर से जूम करके दिखा दूँ। हाँ तो दोस्तों ये है सेक्शन दही का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कम से कम 12 से 15 तरह की दही मिल जाएगी, और उसमें भी फ्लेवर होते हैं, जैसे आपको नेचुरल दही खानी है तो नेचुरल खा सकते हैं, उसके बाद कोकोनट या मैंगो, लेमन, फ्रेशा, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फ्रिज हैं यहाँ से एंड तक। चॉकलेट सेक्शन, एक्चुअली मुझे चॉकलेट कुछ लेनी थी बच्चों के लिए, वो मुझे दिखने दिए यहाँ पे, वन सेकेंड, चॉकलेट सेक्शन देख लो, और ये काफ़ी क्वांटिटी में हमको लेके जानी पड़ती है क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चे काफ़ी हैं। ये ब्लैक चॉकलेट ये मेरी सिस्टर बड़े शौक से खाती है, इसके लिए मुझे लेके जानी पड़ती है। उसके बाद ये एलमंड्स, और
आगे कुछ गिफ्ट देने के लिए सस्ते सुंदर और टिकाऊ। आप देखें, इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये ब्लॉग बनेगा पैसे की बर्बादी का। ये देख लो, इंडिया से दूर रहने की यही परेशानी है कि जब भी इंडिया जाओ अपने काफ़ी सारी जो आपने सेविंग कर रखी है उसको इसकी वाट लगा दो। देख लो, ये कुछ विंगम्स हैं, चॉकलेट काफ़ी ले लिए, अभी देखते हैं आगे और क्या है। दोस्तों अभी फिर से लिकर वाले सेक्शन में दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि अभी फ़ोन आया है कि हमारे साडू साहब हैं उनको भी ट्रॉली भारी हो गई है, उनके लिए भी कुछ लेना है तो एक बोतल और चाहिए होगी। उनके लिए ओला उनके लिए ग्रीन लेबल, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 39 यूरो वो ले लिए मैंने। अब यार लगे हाथों आया हूँ तो एक मैं मेरे लिए भी ले ही लेता हूँ, एक ले चुका हूँ, एक और ले लेता हूँ। इंडिया में कुछ करने के लिए होगा नहीं एक्चुअली, में खाली बैठे क्यों नहीं दारू पी जाए। एक रेड लेबल 70-90, ओके। एक मैंने एक और अपने लिए ले लिए। यार मैं आप लोगों को बिगाड़ नहीं रहा हूँ एक्चुअली, में क्या है दारू पीना भी सेहत के लिए अच्छी बात होती है मगर सॉरी बुरी बात होती है, मगर अगर ढंग से पियो उसको तो मेरे हिसाब से वो ठीक ही होती है। आगे जिनको नहीं अच्छी लगती है सॉरी। मुझे देखो कोका कोला की इन्होंने कैसे दीवार बना रखी है। ये सॉफ्ट ड्रिंक है, वो हार्ड ड्रिंक थी, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। और ये कोका कोला है देख लो, ओ मम्मा मिया मारे मिया, इतनी बड़ी दीवार उन्होंने सिर्फ कोका कोला की बना रखी है। एक मंजिला माले की बिल्डिंग है। हाँ जी यारो, मेरी हरकतों पे नज़र मत देना आप प्लीज़, जो आपको दिखा रहा हूँ उसी को देखो, जो नहीं दिखा रहा हूँ उसको मत देखो। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप करो वीडियो पे, आपको डाल ही रहा हूँ क्योंकि पता क्या है यहाँ पे हम सालों साल काम करते हैं, उसके बाद कुछ ही मोमेंट ऐसे मिलते हैं जिस टाइम हम इंडिया जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए, उनके लिए शॉपिंग करते हैं, वही एक हमारे लिए एंजॉयमेंट है और उसे हम पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। और ये फ्रूट मंडी है देख सकते हो, यहाँ पे टमाटर तरबूज अंगूर। चलो आज के लिए बहुत हो गया, शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है थोड़ी बहुत, बाकी थोड़ी बहुत होती रहेगी क्योंकि अभी आने वाले 3 हफ्ते और हम यहाँ पे हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे इंडिया के लिए और हम 2 महीने इंडिया रहेंगे। अभी कुछ क्रीमें वगैरह हैं, एक सेकंड इसमें भी देख लेते हैं क्या है। ये भैया ये तो सब लुगाइयों की है बाबा, मेकअप किट है, ये आईब्रो वगैरह लिपस्टिक वगैरह ये अपने किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं तो अपने पास कोई है जिसके लिए लें
एक है वो अपने आप लेती रहती है। हाँ मैं अपने लिए कोई बॉडी स्प्रे वगैरह देख लूँ जो मुझे सस्ते में मिल जाए तो ओके। मीरा पर्दा इतना ही ले डिओड्रेंट मुझे ग्रासेस। चलो ये बेचारी भोली मिल गई। हाँ ये अपने काम की चीज़ है। तो इंडिया में पसीने की बड़ी प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं यहाँ से लेके जाता हूँ 3-4 साथ में अपने। दो बाद नीविया फ्रेश ओशन, दो ये ले लिए, 4 ओके। ये मेरी शॉपिंग हो रही है सिर्फ, ना कि मेरी फैमिली की हो रही है। और मेरे कुछ मिलने वाले उनके लिए हो रही है, क्योंकि बच्चे और मेरी वाइफ उनकी शॉपिंग अलग होती है। ये मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो ले रहा हूँ जो मुझे यूज़ करनी होती है इंडिया में। और ये है मेरी पसंदीदा चीज। हाँ नीविया क्रीम सॉफ्ट 3 यूरोस। ये शावर जेल है। क्योंकि यारों काफ़ी टाइम में इंडिया में नहाया, कोई टाइम था मैं किसी टाइम उस वाल से भी नहाया था। उस वाल साबुन आप सब लोगों ने सुना ही होगा, उसके बाद लाइबो, उसके बाद लक्स पियर्स। तो आज का ये टाइम है कि मैं एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट लोशन से नहाता हूँ। और जिसमें मुझे हनी वाला भी चाहिए होता है तो कोकोनट वाला भी चाहिए होता है, लेमन वाला भी चाहिए होता है। ये हनी का है क्या, नहाने के समय ना खुशबू आनी चाहिए कि नहा के निकले हो तो सारा दिन है ना अच्छा सा जाता है। ये तो हो गए शावर जेल। शैम्पू कहाँ है भाई? और ये बॉडी लोशन, ये भी ले ही लेते हैं। ये डव का है एक बॉडी लोशन जो नहाने के बाद लगाया जाता है, 4 यूरोस। और ये क्रीमें हैं, नीविया इज द बेस्ट ओके। शैम्पू 1 सेकेंड, शैम्पू नहीं मिल रहा यारो। हाँ ये नो सॉरी, शैम्पू का सेक्शन कहाँ है? वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आज की, मगर इसके बाद वीडियो फिर इंडिया पहुँच के कब डालता हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इसी को एंजॉय करना। ये पेंटीन का शैम्पू है, हाँ ये ठीक है, एक ले लिया। हेड एंड शोल्डर 4.5, ये भी ले लिया। तो ये हो गई यहाँ की शॉपिंग, देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। टूथब्रश, मैं टूथब्रश में इंडिया वाले ही यूज़ करता हूँ शुरू से यार, 18 साल हो गए मेरे को। यहाँ के टूथब्रश मुझे समझ में नहीं आते क्योंकि ये बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है तो हो गई यहाँ की शॉपिंग। अभी और 2 जीन्सें और लेनी थी, एक सेकंड। अब ये बिल कितना बैठेगा ये मुझे भी आइडिया नहीं है, मगर जो भी बैठेगा ठीक ही बैठेगा। ये काफ़ी टाइम बाद मैं निकला हूँ शॉपिंग करने के लिए। हाँ ये रही, इसको मुझे ट्राई करनी है तो उसके लिए मैं वीडियो पॉज करूँगा। ब्लैक मैंने ले ली थी पहले, उसके बाद इसमें साइज़ नहीं है, ये ब्लू साइज़ नहीं है। चिपची ट्राई करते हैं। तो चलो दोस्तों मुझे ये ट्राई करना था, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। शर्टें हैं, एक सेकेंड,
शर्ट्स कुछ चमकीले से कलर नहीं है, तो मैं कहीं और से देखूंगा, मगर इसको ट्राई करते हैं पहले। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। देखें आगे, अभी कैश बॉक्स पे जाना है, वहाँ उसका पेमेंट करना है, उसके बाद घर की रवानगी, कल से फिर ड्यूटी पे। तो होप करता हूँ एंजॉय किया होगा आपने, और आने वाले टाइम में आपको इंडिया की वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कि मेरा टाउन इंडिया में कैसा है। तो अभी अपन बढ़ते हैं कहा की तरफ, जहाँ इसका पेमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं लिया आज, बस अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ें ली हैं जो आपने देख ही ली। और आगे खाके पे भी कोई नहीं है, तो फटाफट इसका पेमेंट करके बस पकड़ते हैं और चलते हैं घर, और उसके बाद करते हैं इसकी एडिटिंग और आप सब लोगों को दिखाते हैं। ठीक है सर? तो अगर जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने देखा नहीं है, अगर जो पसंद करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करना दोनों छोड़ो यार, आपको समझ में आता है तो करना, नहीं समझ में आता है तो नहीं करना, नो प्रॉब्लम। सारे चैनलों पे यही देखता रहता हूँ, प्लीज़ चैनल गाना शुरू होता नहीं है, वीडियो शुरू होता नहीं है, इससे पहले उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो ऐसा कुछ नहीं है यारों। मैं अपने शौक की वजह से वीडियो बना रहा हूँ, और आपको अच्छा लगता है तो ओके, नहीं अच्छा लगता है तो मैं तो लगा ही रहूँगा। चलो ठीक है, तो ये है काका, यहाँ पे ये सब पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मुझे भी यहाँ पे एक सेकेंड आगे फ्री है, अपना पेमेंट करके चलें घर। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब लोगों का शुक्रिया, चैनल पे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और बने रहिए, आगे काफ़ी कुछ और भी दिखाना है आप लोगों को, यूरोपियन लाइफ, स्पेन लाइफ। हाँ ये थोड़ी सुंदर है, इसके पास चलते हैं। ओके देन, आगे का काम मेरा है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।